मणिपुर से एक बार फिर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 78 दिनों में ये दूसरी सबसे शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के अलावा भी एक घटना ऐसी सामने आई है जो आप सुन नहीं पाएंगे, जिसमें दो युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। ये बहुत दुखद समाचार मणिपुर से ही निकल के आ रही है। एक पीड़िता की मां ने बताया है कि सेकुला थाना घटनास्थल से 35 किलोमीटर दूर है, ये पीड़िता की मां जानकारी दी। वहीं हमारे बेटी के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया और वहाँ पर लगभग 100 से 200 व्यक्ति उपस्थित थे। उनकी मां ने बताया कि हमलावर तकरीबन 100 से 200 व्यक्ति थे और उसके बीच हमारी बेटी को ऐसा हाल किया गया। ऐसे मामले में से सैकुला पुलिस स्टेशन ने दर्ज किए गए आरोपी पे IPC की धारा 153, 357, 358, 427 और 436, 34 और 25 C के तहत उसे मुकदमा दर्ज किया गया है। 26 सेकंड के वीडियो ने पूरे देश को हिला दिया है, ये बहुत बड़ी खबर है। ऐसे निर्वस्त्र महिलाओं को देखकर लोग शर्म से पानी पानी हो गए। ऐसे घटना के खिलाफ लोगों को आक्रोश बढ़ने लगा है और लोग इसके खिलाफ मार्च करने लगे हैं। कई जगह धरना प्रदर्शन किया गया और इस घटना का विरोध प्रदर्शन भी किया गया।